हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर। देखिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दीपिका और रणबीर की। दरअसल दीपिका और रणबीर एक वक्त हुआ करता था जब दोनों साथ में थे और शादी तक बात पहुंच गई थी, लेकिन क्या कारण रहा कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद ये दिल ऐसा टूटा कि दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में चली गई और उस डिप्रेशन से निकलने के लिए उनको काफी मशक्कतें करनी पड़ी। और आज का वो दौर है जब दीपिका खुद डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की मदद करती है। उनका खुद का एनजीओ है जो लोगों की देखभाल करते हैं और डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को संभालते हैं। दरअसल बताते चले कि एक टाइम था जब दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की नजदीकियां जो है वो काफी ज्यादा थी और ये सुर्खियां भी लगातार बनती रहती थी और ये बात सब जानते भी थे। दोनों की नजदीकियां फिल्म बचना है हसीनों से आई थी और उसी के सेट से दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों का रिश्ता तकरीबन 2 साल तक टिका रहा और उसके बाद इनके रिश्ते में दरारें आ गई जिससे इनका ब्रेकअप हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका की धोखा देने की आदत से बेहद परेशान थी दीपिका, रणबीर की इन आदतों से काफी ज्यादा परेशान थी और एक इंटरव्यू में बकायदा इशारों में रणबीर ने इसका खुलासा भी किया। हालांकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रणबीर को प्लेबॉय के नाम से जाना जाता है और दिल तोड़ने के नाम में भी रणबीर आगे हैं और बस दीपिका को उनकी ये हरकतें नहीं पसंद थी और यही कहा जाता है कि यही एक रीजन है जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि दीपिका कितनी सीरियस थी, उनकी गर्दन पर उस टैटू से पता चलता है जो उन्होंने अपने बैक पे रणबीर के नाम का टैटू बनवा रखा था। हालांकि जब ब्रेकअप हुआ उसके और जब रणबीर सिंह के साथ वो रिलेशनशिप में आए उससे पहले दीपिका ने अपने उन तमाम पास्ट को मिटा दिया था, अपने उस टैटू को भी मिटा दिया था। और आपको ये भी बताते चले कि रणबीर ने बकायदा अपनी गलती को कबूल किया है। दरअसल जब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान रणबीर ने इसका खुलासा किया, रणबीर ने साफ तौर पर कहा इस दौरान कि मेरी हरकतों की वजह से शायद अब तक मेरे ब्रेकअप हुए हैं और इसको लेकर मीडिया में भी काफी बातें बनी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दीपिका से ब्रेकअप के सालों बाद रणबीर ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया जिसमें कहा कि मेरी गलतियों की वजह से मेरी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी जिसकी वजह से लड़कियां परेशान होकर खुद मुझे छोड़कर चली जाती है। और शायद ये इशारा जो था वो दीपिका की तरफ ही था। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले वीडियो में इससे मुलाकात होगी।